बाबा भीमराव अम्बेडकर संयुक्त जिला चिकित्सालय की इमरजेंसी पार्ट में सीटी स्कैन की निःशुल्क सुविधा के नाम पर 500 रुपये ले लेने पर युवतियों के दो गुटों के बीच आरोपी तैरोप के बाद जमकर मारपीट हो गई। इससे इमरजेंसी पार्ट में मौजूद लोगों में हंगामा कट गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और स्टाफ और मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव कराया। वहीं मौजूद लोगों ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डाल दिया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल बन रहा है दलालों का अड्डा, आए दिन शिकायत आती है, गरीब मरीज इलाज नहीं करा पा रहे हैं। सीएमएस एमएम आर्या ने कहा कि उन्हें एक पक्ष से शिकायत मिली है। प्रथम दृष्टया इसमें बाहरी युवतियों द्वारा रुपये लेने की बात सामने आई है, इसकी जांच कराई जाएगी। अगर इसमें किसी स्टाफ की संलिप्तता नजर आएगी तो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबर हर पल के लिए अभिनंदन जैन की खबर। क्या नाम है? नाम क्या है? बताओ। मेरा नाम ज्योति है। क्या हुआ था आज यहाँ पे? आईडी लगाओ यार, आवाज नहीं आया। सीटी स्कैन कराना था। जब सीटी स्कैन कराना था तो हमने इन लड़कियों के पापा यहाँ पे जो भी हो सुपरवाइजर ये काम करते थे, तो इनके कॉन्टेक्ट में मतलब होता है कि हाँ कुछ काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए, तो हमने इनसे कॉल किया। उन्होंने बोला फ्री होता है, हम आ जाओ करवा देते। ठीक है ठीक है। हम लोग यहाँ पे आए तो इन लोगों ने यहाँ पे बोल दिया कि 500 रुपए लगे। किसने बोला? इन्हीं लड़कियों ने, इनके पापा ने भी, कि 500 रुपए लगेंगे जो यहाँ ऑलरेडी काम करते हैं, डॉक्टर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन लड़कियों ने किसी लड़के को बुलाया तो उसने हमसे 500 रुपए ले दिए। ठीक है ठीक है। अब ये लड़कियों ने बोल रहे कि डॉक्टर ने 200 रुपए लिए हैं। जैसे हमें पता चला कि डॉक्टर ने 200 रुपए लिए, बाद में कि 300 रुपए वो लड़का लेके भाग गया। अच्छा। तो ये कोई तरीका नहीं होता, ये सरकारी नहीं, तो आपका काम हुआ था क्या? नहीं, काम हो गया, काम हो गया, हो गया। अच्छा, अगर डॉक्टर ने 200 रुपए भी लिए तो हमें आपको बाद बाकी वापस करना चाहिए। अच्छा, ये जो निर्णय लिए हैं यहाँ पर किस अस्पताल में काम करते हैं? ये उसमें जो आप कहाँ पर हैं अभी? हम मोती झील, मोती झील में। सी एम एस से क्या मांग करेंगे आप? सी एम एस से क्या मांग करेंगे? अधिकारियों ने शिकायत की आपने संबंध में? आप क्या चाहते हैं, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। सीएमएस साहब, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला इमरजेंसी में, सीटी स्कैन के नाम पर अवैध वसूली चल रही है, आपके द्वारा क्या संज्ञान लिया गया, क्या कार्रवाई की जाएगी? ऐसा अभी संज्ञान में आया है, दो लड़कियों ने लिख के अपनी शिकायत पत्र दिया है कार्यालय में, तो उसमें जांच की जाएगी। यदि उसमें कोई कर्मचारी पाया गया जो अस्पताल का कर्मचारी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी बाहर वाले ने दिया है तो फिर उसके लिए ना पुलिस को लिखा जाएगा और संबंधित जो शिकायतकर्ता को पुलिस में जाने के लिए सलाह दी जाएगी। सर, मीडिया के कैमरे पर इंटरसेप्ट भी किया है कि हाँ ये पैसे लिए हैं, कुछ वापस भी किए हैं, ऐसा साफ तौर पर मतलब ये भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, जो गलत बात है, पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। अस्पताल में सभी जाँचें निःशुल्क की जाती हैं, यदि कोई शुल्क लगता है तो उसका पैसा दिया जाता है, रसीद दी जाती है। ठीक है, और जिन्होंने 500 रुपये देने की मतलब शिकायत की है तो उन्होंने 500 रुपये दिए हैं तो स्वेच्छा से दिए हैं कि ज़बरदस्ती लिए गए, वो जांच में जब आएंगी तब पता पड़ेगा और किसको दिए हैं, जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। इतनी भीड़ के बाद भी सर, इतनी भीड़ के बाद भी सीटी स्कैन देने बाद तुरंत हो जाता है तो ये क्या मामला है? कहीं ना कहीं संलिप्तता है विभाग की? विभाग की इसमें संलिप्तता नहीं है, बाहर के दलाल लोग भी घूमते रहते हैं और रोगी और रोगी के तीमारदार जल्दी करने के चक्कर में शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, तो वो गलत है। उनको आना जैसे लिखा जाता है, कई बार डॉक्टर लोग बोलते हैं आवश्यकता नहीं लें, जबरदस्ती सीटी स्कैन लिखवाते हैं, ऐसा मेरी जानकारी में कई अनेकों बार आ चुका है।